Now, another proverb that we will be talking about is too many cooks spoil the broth. What does it mean? It emphasizes the importance of having a clear and organized approach to tasks or projects that involve multiple individuals. This saying suggests that when too many people are involved in a task, it can lead to confusion, inefficiency, and even conflict, and ultimately causing the task to fail. This proverb is often used in situations where a group of people is working together to achieve a common goal. For example, in a business setting, a project may involve a team of employees, but if there are too many people involved, it can lead to delays, disagreements, and poor communication. Similarly, in a volunteer organization, having too many volunteers with different ideas and approaches can lead to confusion and lack of direction. The message of this proverb is that having a clear and manageable number of people involved in a task is essential for success. By limiting the number of people involved, it is easier to establish clear roles, responsibilities, and expectations, as well as ensure effective communication and collaboration. So we can say that the proverb "too many cooks spoil the broth" or "too many cooks spoil the soup" serves as a reminder of the importance of efficiency and organization in group settings. It encourages individuals to consider the number of people involved in a task and to prioritize clear communication and collaboration in order to achieve success. दोस्तों, आपने वो कहानी सुनी होगी जहाँ एक सज्जन अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनका पैजामा लंबा है, उसको वो थोड़ा छोटा कर दे, 2 इंच काट के छोटा कर दे। उनकी पत्नी कहती है उनके पास बहुत काम है, वो नहीं कर पाएंगी। तब वो अपनी बहन से कहते हैं यही बात, उनकी बहन भी मना कर देती हैं कि अपनी इनएबिलिटी शो कर देती हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं और बेटी भी कह देती है कि उसके पास समय नहीं है ये करने के लिए। आखिर में वो सज्जन उस पैजामे को लेकर टेलर के पास जाते हैं और टेलर से उसको छोटा करा देते हैं और घर में लाकर रख देते हैं और फिर वो बाहर चले जाते हैं। जब वो शाम को लौटते हैं और पैजामा उठाते हैं, तब क्या होता है, टू मैनी कुक्स हैड स्पॉइल्ड द ब्रॉथ, यानी वो पैजामे की जगह निकर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब पत्नी को समय मिला तो उसने सोचा कि अरे उन्होंने कहा था तो लाओ छोटा कर दे, तो उन्होंने 2 इंच काट दिया। फिर उसके बाद बहन ने भी ऐसा ही सोचा कि कह रहे थे भाई काट के ठीक कर देते, और फिर बेटी ने भी यह कर दिया। तो बहुत सारे लोग जब किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं तो कभी कभी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और वो टास्क फेल हो जाती है। जैसे आप किसी किसी फिल्म के लिए भी सुनते हैं कि जब फिल्म पिट जाती है तो डायरेक्टर कहता है कि चूंकि सभी अपनी राय दे रहे थे कि फिल्म को कैसे पिक्चराइज किया जाए, कैसे फिल्माया जाए, एक्टर अपनी राय दे रहा था, डायरेक्टर तो जो था ही, उसके साथ ही साथ प्रोड्यूसर अपनी बात कह रहा था, फाइनेंशियर अपनी बात कह रहा था, और नतीजा क्या हो गया कि जो कहानी थी वो बिगड़ गई। तो टू मैनी पीपल टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ये जो कहावत है वो बड़ी एप्ट है, और वैसे तो ये भी कहा जाता है कि दो लोग अगर मिलकर काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग किसी टास्क में इन्वॉल्व होते हैं तो वो काम गड़बड़ हो जाता है।
जैसे जब एक बार अकबर राजा ने देखा कि सूखा पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक पॉन्ड खुदवाया, और उसके बाद उन्होंने कहा उस तालाब में सब लोग अपने घर से एक एक लोटा पानी लाकर डाल दें। सबने यही सोचा कि अगला ले आएगा, हमारे न ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह जब पॉन्ड देखा गया तो वो सूखा पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि सभी ने यही सोचा कि दूसरा व्यक्ति ले आएगा और हमारे एक के एक लोटा पानी न ले जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नतीजा क्या हुआ कि वो पॉन्ड खाली रह गया, उसमें पानी नहीं गया। तो टू मैनी पीपल स्पॉइल द ब्रॉथ का ये एक और नमूना है। तो आज इस प्रोवर्ब को आप जाने, और साथ ही साथ इसके बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।